नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में आज छत्तीसगढ़ बंद बुलाया गया। दरअसल हिंदू संगठन का आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान है और ऐसे में सभी व्यापारिक संस्थान आज के लिए बंद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने भी बंद का समर्थन कर दिया है। देखिए जिस किस तरीके से आप उदयपुर की घटना को लेकर के जगह जगह पर आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। साथ ही बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा ने इस्लाम धर्म को लेकर की टिप्पणी की थी और इसका समर्थन करते हुए उदयपुर के कन्हैयालाल साहू नाम के टेलर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया था और इसके बाद मोहम्मद रियाज अतारी और गौस मोहम्मद नाम के युवक ने कन्हैया की निर्मम हत्या कर दी थी। फिलहाल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन एनआईए की जांच में इन युवकों के पाकिस्तान के आतंकी संगठन से जुड़े होने की बात भी सामने आई है और इस घटना का पूरे देश भर में विरोध किया जा रहा है। कन्हैया लाल की हत्या के बाद से अब पूरे देश में उबाल देखने को मिल रहा है और ऐसे में छत्तीसगढ़ में फिलहाल आज के लिए बंद बुलाया गया है। यानी कि आज के दिन छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान हिंदू संगठनों की तरफ से किया गया है और उदयपुर हत्याकांड के विरोध में आज छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया गया है। हिंदू संगठनों का ये बड़ा ऐलान आज के लिए माना जा रहा है। दरअसल उनके तरफ से कहा गया है कि सभी व्यापारिक संस्थान आज के लिए बंद रहेंगे और बीजेपी ने इस बंद का समर्थन भी कर दिया है। तो फिलहाल जिस तरीके से उदयपुर हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और इसमें दो आरोपियों की गिरफ्तारी की बात है, हालांकि गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन फिर भी देश में अलग अलग राज्यों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, वो भी अलग अलग तरीकों से। और ठीक इसी प्रकार आज छत्तीसगढ़ में बंद का ऐलान हिंदू संगठनों की तरफ से किया गया है अपना आक्रोश जाहिर करने के लिए। दरअसल नुपुर शर्मा के समर्थन में एक शख्स ने पोस्ट किया था उदयपुर में, जिसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। तो वहीं जांजगीर चांपा का बोरवेल में गिरा राहुल आज 11 साल का हो गया है। उसके जन्मदिन पर परिवार के लोगों ने धूमधाम से मनाया और उसके जन्मदिन पर जहां विशेष पूजा अर्चना की गई, तो वहीं भारी संख्या में ग्रामीण और आसपास के लोग उसे बधाई देने भी पहुंचे। हो भी क्यों ना, क्योंकि राहुल साहू के लिए ये जन्मदिन बेहद खास था। उसने अभी अभी जिंदगी और मौत की जंग में मौत को मात देकर वापस लौटा है। जश्न है जिंदगी का, जश्न है नए जीवन का। 105 घंटे जिंदगी पर थे भारी, ये जन्मदिन खास है। जी हाँ, वही राहुल जिसे आप भूले नहीं होंगे, जिसने बोरवेल में 105 घंटे जिंदगी और मौत के बीच काटे थे। अंकों की गणना में राहुल शुक्रवार को 11 साल का हो गया। देश भर की दुआओं से मौत को मात देकर आने वाले जांजगीर चांपा के राहुल का जन्मदिन है। ये जन्मदिन बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि चंद दिन पहले उस वक्त राहुल के घर वालों का रो रो कर हाल बुरा हो गया था, जब राहुल खुले बोरवेल में जा गिरा था और 5 दिनों तक वो वहीं फंसा हुआ था। 105 घंटे की जद्दोजहद के बाद आखिरकार राहुल ने मौत को मात देते हुए जिंदगी की जंग जीत ली थी, वो सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। आज राहुल के जन्मदिन के मौके पर पूरा छत्तीसगढ़ राहुल को हैप्पी बर्थडे कह रहा है और उसकी लंबी उम्र की दुआएं मांग रहा है। राहुल के जन्मदिन पर उसके घर पर विशेष पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें राहुल के रिश्तेदारों के साथ साथ आस पड़ोस के लोग शामिल हुए। सभी ने उसकी लंबी उम्र की दुआएं की। बहुत खुशी होते हैं और भगवान से ही कामना है कि राहुल बेटा सदा जीवन में ऐसी खुश रहे और सबके जैसे आशीर्वाद मिले हैं पूरा, वैसे जीवन भर बच्चा के जिंदगी में सबके आशीर्वाद बने रहे। हम सबके ही कामना है भगवान से सदा सुखी रहे। राहुल के परिजनों का कहना है कि राहुल का भले ही 11वां जन्मदिन है, लेकिन वो इसे उसी तरह मना रहे हैं जैसे उसका पहला जन्मदिन हो, क्योंकि भगवान ने उसे नया जन्म दिया है। राहुल भैया के नया जन्म के लिए इतना उत्साह कर रहे हैं, उनके मम्मी पापा दादी दादा बुआ भाई गांव बस्ती सब मिल करके उनके आज बर्थडे मना रहे हैं। यह बर्थडे सब हर्ष के साथ बर्थडे मनाया जा रहा है कि राहुल का जन्म एक सब नया जन्म है, उनका भविष्य उज्ज्वल हो, सबकी मनोकामना उनका पूर्ण लगे, ऐसे राहुल भैया के आज बर्थडे मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि राहुल साहू खुले बोरवेल में गिर गया था, जहां वो 5 दिनों तक करीब 105 घंटे फंसा रहा, जिससे राहुल को कई तरह के इन्फेक्शन हो गए।
लेकिन उसने पहले बोरवेल में मौत को मात दी, फिर अस्पताल में मौत को मात देकर नई जिंदगी हासिल की। इसलिए राहुल का ये जन्मदिन खास है। जांजगीर चांपा से संजय यादव के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।